हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इसके एपिसोड नंबर 16 में, जिसमें आज मैं एक सब्सक्राइबर अनुज चौधरी भाई के पूछे गए सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अनुज भाई ने आस्क एस के एपिसोड नंबर 15 में मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या गाया सारे एवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल है, इंक्लूडिंग थॉर, और क्या गाया आगे चलकर एक सुपर हीरो बनेगी या फिर एक सुपर विलन, और स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका में से वो कौन होगा जो एवेंजर्स की टीम को लीड करेगा। तो बेसिकली दोस्तों, अनुज भाई ने 3 सवाल मुझसे पूछे हैं, जिनके मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या गाया सच में सारे एवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल है। तो भाई लोग, सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले एपिसोड के बाद से हम लोग ये जानते हैं कि गाया के पास अब मोर देन 22 प्लस सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स की पावर्स हैं, और गाया जिस तरह से इन पावर्स का यूज कर रही थी, उससे काफी लोगों को ये लग रहा था कि गाया ही अब एमसीयू की सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और ये सारे एवेंजर्स को इजीली हरा सकती है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में एमसीयू की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर गाया नहीं बल्कि कोई और है, जिसका नाम मैं इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूँ। और रही बात इसकी कि क्या गाया सारे एवेंजर्स को इजीली हरा सकती है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से गाया सारे तो नहीं, पर कुछ एवेंजर्स को इजीली जरूर हरा सकती है। जैसे कि अगर गाया की फाइट ब्लैक विडो, हॉकआई एंड सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के साथ होती है, तो गाया बिना किसी देरी के इन तीनों को ठिकाने लगा सकती है। और वहीं दोस्तों, अगर गाया की फाइट विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका एंड स्पाइडरमैन से 1-to-1 होती है, तो गाया को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी एट द एंड गाया इन्हें हरा देगी। अब बात करेंगे हल्क की, तो दोस्तों करंट टाइम वाला स्मार्ट हल्क किसी भी कीमत पर गाया को नहीं हरा सकता है, क्योंकि गाया के 22 प्लस पावर्स में से एक पावर थैनोस की भी है। तो गाया को हल्क को हराने के लिए बस अपना एक हाथ थैनोस के हाथ में कन्वर्ट करना होगा, जिसे देखते ही हल्क की वाट लग जाएगी और वो डर के मारे ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर गाया की फाइट इनक्रेडिबल हल्क से होती है, तब शायद हल्क थोड़ा बहुत भारी पड़ सकता है, पर दोस्तों यहाँ पर भी मैं गाया को ही अपर हैंड देना चाहूंगा, क्योंकि गाया के पास घोस्ट की फेजिंग पावर है, जिसका यूज करके वो हल्क के अटैक से बच सकती है, और एबोमिनेशन, थॉर एंड कैप्टन मार्वल की पावर्स का यूज करके वो उसे इजीली हरा सकती है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि क्या हम सबका प्यारा आयरन मैन गाया के सामने टिक पाएगा। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अचानक से हुई फाइट में आयरन मैन इजीली गाया से हार जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आयरन मैन को प्लानिंग करने का टाइम दिया जाए, तो वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके गाया को हरा सकता है। और दोस्तों, आयरन मैन गाया को कैसे हरा सकता है, इसे मैं काफी डिटेल में अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि क्या गाया थॉर से ज्यादा पावरफुल है और क्या वो थॉर को बैटल में हरा सकती है। तो भाई लोग, जहाँ थॉर को हजारों सालों का फाइट करने का एक्सपीरियंस है, वहीं गाया को बस कुछ 100-200 सेकंड पहले ही तो पावर्स मिली है, यानी कि गाया थॉर के कंपैरिजन में एक अनएक्सपीरियंस्ड फाइटर है। चलिए फिर भी अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि गाया कैप्टन मार्वल, हल्क, एबोमिनेशन, इबोनी मॉ और थैनोस की पावर्स का यूज करके थॉर को हरा सकती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा करने से थॉर को बस थोड़ी बहुत चोटें ही लगेंगी, जिसके बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से खुद को हील कर लेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने थॉर को एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी बीम को सर्वाइव करते हुए देखा है, और इसके बाद खुद को स्टॉर्म ब्रेकर से हील करते हुए भी देखा है। और यही नहीं दोस्तों, इस बंदे ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को पहने हुए थैनोस को बड़ी आसानी से हराया हुआ है। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताओ कि जिस बंदे ने इतना सब कुछ सरवाइव किया हुआ है, उस बंदे को गाया की एनर्जी बीम और उसकी बाकी सारी पावर से क्या ही फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाया थॉर को फाइट में टक्कर तो दे सकती है, लेकिन जीत नहीं सकती है, तो इसलिए इस बैटल का विनर थॉर होगा। दोस्तों, थॉर के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा मैक्सिमोफ, यानी कि स्कारलेट विच भी वो कैरेक्टर है जिनसे गाया जीत नहीं सकती है, क्योंकि गाया के पास मैजिकल एंड रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर्स नहीं है। हालांकि दोस्तों, गाया के पास उस इबोनी मॉ की टेलीकिनेसिस की पावर्स भी हैं, जिनसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी वॉर मूवी में हराया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी डार्क होल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसकी हेल्प से वो गाया को इजीली हरा सकता है। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ वाली पावर्स तो है नहीं, तो अगर गाया कैसे भी करके उसके पास जाके उसकी बॉडी पर अटैक करती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज तो हार जाएगा। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट इफ वाले सुप्रीम स्ट्रेंज की तरह खुद की बॉडी पर सेफ्टी स्पेल की शील्ड लगा देगा, तो फिर गाया उसे ज्यादा डैमेज नहीं कर सकेगी। और वहीं दोस्तों, अगर गाया की फाइट स्कारलेट विच से होती है, जो कि करंट टाइम में एमसीयू की सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो स्कारलेट विच गाया को इजीली हरा देगी, क्योंकि वो एक नेक्सस बीइंग है और इसके पास डार्क होल की पूरी नॉलेज भी है। और दोस्तों, अपनी वांडा को गाया को हराने के लिए ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वांडा के बस ये बोलने भर से ही
कि गाया कौन है, गाया का नामो निशान मिट सकता है। दोस्तों एमसीयू में जिस तरह से अभी तक इन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, मैंने उसी के बेसिस पर ये सारी बातें आप लोगों को बताई हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस कैरेक्टर से जीत सकता है। लेकिन दोस्तों किसी भी दो कैरेक्टर की फाइट्स में कौन जीतेगा ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि उस स्टोरी का राइटर किस कैरेक्टर को जिताना चाहता है। ओवरऑल भाई लोग, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर राइटर एंड डायरेक्टर चाहते हैं कि दो कैरेक्टर्स की फाइट में पावरफुल वाला कैरेक्टर जीते, तो वो आसानी से उसके अकॉर्डिंग स्टोरी को लिखते हैं। और अगर राइटर ये चाहता है कि दो कैरेक्टर्स की फाइट में जो कमजोर वाला कैरेक्टर है वो जीते, तो राइटर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करके एक ऐसी अच्छी स्टोरी लिखनी पड़ती है जिससे वो कमजोर वाला कैरेक्टर पावरफुल वाले कैरेक्टर से जीत जाए और ये स्टोरी देखने के बाद ये स्टोरी ऑडियंस को भी पसंद आए। और दोस्तों जो मैं बात ये आप लोगों को बता रहा हूँ, उस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक्स की स्टोरी है, जिसमें डेडपुल अपने से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को इजीली मार देता है। तो दोस्तों अब लोग बात करते हैं अनुज भाई के अगले सवाल की कि क्या गाया आगे चलकर एक सुपर हीरो बनेगी या फिर एक सुपर विलन। तो अनुज भाई, क्योंकि गाया के कैरेक्टर को एमिलिया क्लार्क प्ले कर रही हैं, जो कि एक काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, तो मेरे हिसाब से स्टूडियो इन्हें कोई नेगेटिव रोल प्ले करने को नहीं देगा। और सीक्रेट इन्वेजन में गाया की जर्नी को देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गाया हमें एज अ सुपर हीरो दिखने वाली है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि गाया सोनिया के साथ मिलकर काम करने वाली है, तो हो सकता है कि वो एक आइडियल सुपर हीरो ना बनकर एंटी सुपर हीरो बने। चलिए दोस्तों अब अनुज भाई के लास्ट सवाल का जवाब देते हैं कि एमसीयू में एवेंजर्स की टीम को अब कौन लीड करेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंड गेम के बाद से अभी तक ऑफिशियली कोई भी एवेंजर्स की टीम नहीं बनी है, क्योंकि अभी मार्वल अपने कुछ न्यू एवेंजर्स को इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस कर रहा है। और आने वाली एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में मार्वल हमें एवेंजर्स से इंट्रोड्यूस भी करवा देगा। और दोस्तों हाल ही में एवेंजर्स की टीम से रिलेटेड एक अपडेट भी निकल कर आई है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के मेन विलन्स इमोर्टस, रामाटट एंड स्कारलेट सेंचुरियन होने वाले हैं, जिनसे निपटने के लिए एवेंजर्स तीन टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें से एक टीम को सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड करेगा और दूसरी टीम को डॉक्टर स्ट्रेंज लीड करेगा। और रही बात तीसरे टीम की, तो इस टीम के लीडर का नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट दोस्तों मेरे हिसाब से इस टीम की लीडर कैप्टन मार्वल हो सकती है। और अगर ये टीम यंग एवेंजर्स की हुई, तो इस टीम को स्पाइडरमैन या सूरी की ब्लैक पैंथर भी लीड कर सकते हैं। और दोस्तों एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स मूवी में अगर हमें लोकी एवेंजर्स की किसी टीम को लीड करते हुए नजर आ जाए, तो दोस्तों मुझे तो काफी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अनुज भाई के साथ साथ आप लोगों को भी आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में मार्वल एंड डीसी से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में #askus लिखकर ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट आस्क अस के एपिसोड में आपके ही सवाल को पिक कर लिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी मार्वेलस।